आज मैं सबसे पहले पानीपत की जनता को बधाई देना चाहूँगी कि दो तरफ से कनेक्टिविटी हुई है। उधर बीसन स्वरूप कॉलोनी से जो इनकम टैक्स ऑफिस है उसकी कनेक्टिविटी हुई है, और इधर से भी सेम जो है दोनों साइड से कनेक्टिविटी हुई है पुलिया की, और जिससे अब जो पब्लिक जिसको घूम के आना पड़ता था वो जो है टाइम भी बचेगा, वो पब्लिक का फ्यूल भी बचेगा और ट्रैफिक से भी पब्लिक को निजात मिलेगी। अब डायरेक्ट कनेक्टिविटी की वजह से वो डायरेक्ट सीधा जीटी रोड तक अप्रोच कर सकते हैं, और जिसने यहाँ से बिशन स्वरूप कॉलोनी जाना होगा वो भी डायरेक्ट अप्रोच वहाँ पर जा सकती है। और इसके लिए नगर निगम ने 1 CR का फंड जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट को दिया, क्योंकि ये काम इरिगेशन डिपार्टमेंट का है और काम इरिगेशन डिपार्टमेंट ने किया है और फंड निगम ने दिया है। मैं अपने माननीय विधायक जी प्रमोद विज जी का, हमारे सांसद संजय भाटिया जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि एक अच्छी सोच जो पानीपत के अंदर आई है, और इसके लिए काफ़ी टाइम से डिमांड थी जो कि पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट से सबसे पहले NOC लेना और NOC लेने के बाद उनको फंड ट्रांसफ़र करना, देन कंस्ट्रक्शन होनी, कि प्रोसेस काफ़ी लंबा था। तो ये आज धरातल पर आपको देखने को मिल रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। छोटा सवाल है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे ड्रेन का निर्माण, नाले का निर्माण हुआ था, नाले का निर्माण पीछे हुआ था और ठेकेदार को ये हिदायतें दी गई कि वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाद में तुरंत उठा ले, अभी तक नहीं उठा, 6-7 महीने हो गए। अगर नहीं उठा है तो उसको तुरंत उठाया जाएगा, कोई बात नहीं भैया, आज ही उठ जाएगा, आज ही अगर भैया देखो जैसे ही जो कंप्लेंट आएगी उसके ऊपर एक्शन होगा। बाकी वार्ड पार्षद को बहुत अच्छे से जानकारी है, उनसे एक बार बात कर लेते हैं कि क्यों नहीं उठा है, और अगर वहाँ पर ढेर लगा हुआ है तो उसको आज उठवा देते हैं। मलबे की तो बहुत ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पर पानी है वहाँ वहाँ पर हम लोग मलबा घेर के आने जाने का रास्ता, जहाँ पर बहुत ज़रूरी काम चल रहा है वहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं, तो मलबे की तो ज़रूरत है, जहाँ कहीं ऐसा मलबा पड़ा तो उसको उठवा लिया जाएगा। भैया अब देखो वार्ड पार्षद बताएगा ना, अब मेयर तो वार्ड नंबर 1 से लेके वार्ड नंबर 26 तक हर गली में नहीं घूम सकती ना, तो अगर वार्ड पार्षद बताएंगे या फिर पब्लिक बताएगी कि यहाँ पर मलबा पड़ा है तो उसके ऊपर काम होगा, जेन्युइन बात है। और हो सकता है MC साहब ने इस चीज़ के लिए वर्किंग की भी हो, क्या रीज़न रहा हो, तभी मैंने आपको बोला कि एक बार MC साहब से बात करके बताते हैं। जी भैया मैं आपको बताना चाहूँगी, नगर निगम द्वारा वहाँ पर मिट्टी की ट्रॉलियाँ जो है पहुँच रही हैं, 2 दिन कल और परसों, कल एंड देन परसों 2 दिन ट्रॉलियाँ पहुँची हैं, और आज से जो है डंपर शुरू हो जाएंगे मिट्टी के जाने, क्योंकि वो जोड़ नहीं है कागजों में बट वो जोड़ का रूप ले चुका है, तो जितनी भी मिट्टी है वो अब डंपर से जाएगी, और काफ़ी वो 8-9 फुट जो है गहरा तालाब बन चुका है, तो वो मिट्टी की भरपाई हम लोग करवा रहे हैं और इसको जल्दी कंप्लीट करवाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गोवंश वहाँ पर जा सके। एसोसिएशन है स्काईलार्क मार्केट, हाँ जी स्काईलार्क मार्केट के पैड पे लिख के दे दो, इनसे कर दो आपको लाइट। और सर एक और है, सर एक और है, एक तो चौक है ना जो ग्रीन पार्क भाईलालो गुरुद्वारे जी के पास चौक है, एक तो चौक है, सुनो गुरुद्वारा 50 लोगों की मार्केट है, 100 दुकानदार हैं, सुनो सुनो अब इनको हाँ कर रहे हो, तो सारा दिन साढ़े नाल ही बताए थे 600 दुकानें साइन करा दे भाई साहब, एक एक बात तो पूरी होने, सारे शहर की जिम्मेवारी मत ले, 600 आप दुकानदार, उनको भी पता लगे कि अच्छे काम हो रहे हैं, विधायक जी को हमने रिक्वेस्ट करी है, आपको तो रोज हमारी गाड़ी में बैठे, लाइटों के नहीं कह रहा, सिर्फ 2-3 काम हो रहे हैं, सारे गुरुद्वारे का एक चौक चौक बना दो यार, एक साइड में नाला है वो बहुत बड़ा है, दे देंगे वो, दे दो सर, एक साइड में नाला है वो बहुत बड़ा है और दूसरी साइड में नाला है, और सोच के लिख दो, लेकिन एसोसिएशन के लिख के दो सर, चौक पे ना 7 रोड है, हां जी भाटिया साहब 7 रोड है चौक पे, 7 रोड गुरुद्वारा भाई लालो ये सामने, आप जो है ना काम सारे लिख के अपनी एसोसिएशन की तरफ से लिख के दे दो, लिख के भी दे रखे हैं उसका भी अपने लेटर में, तो ये कह रहा कर दिया है वो, लेकिन तो पता चौक था मेरे को मीटिंग शुरू हो गई है, एक बार ले लो भाई, सारे नीचे रखो शुरू करें सर, आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में बता दीजिए।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कोष दिया था पानीपत के लिए 72 करोड़ के, पानीपत की डेवलपमेंट के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय मनोहर लाल जी का। उसी के अंतर्गत हमने दो ये पुलिया, एक तो कनेक्टिविटी नहीं हुई है जो गुरुद्वारे से रोड आ रही है, स्काइलर रोड पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं ट्रैफिक किस तरह बहुत बड़ा क्रॉस हो चुका है वहाँ पे, तो लोगों की सुविधा के लिए पुली बनाई गई है ताकि लोग जीटी रोड पे सीधा आ सके। और एक पुल जो बनाया है ट्रेन नंबर 1 के ऊपर जो सेक्टर 8 की बैक साइड में, ताकि अब विशेष रूप कॉलोनी की और इनकम टैक्स ऑफिस की सेक्टर 6 की कनेक्टिविटी सीधी होगी है, तो इससे ट्रैफिक का बहुत रिलीफ मिलेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और नगर निगम का भी, अपनी महापौर अवनीत जी का भी, और सभी पार्षद का, रविंद्र जी मेरे साथ खड़े हुए हैं, विजय जैन जी खड़े हैं, दुष्यंत भट्ट जी यहाँ पे आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने निगम के माध्यम से ये पैसा डिपॉजिट वगैरह निगम ने दिया है जो 72 करोड़ आया था उसमें से, और काम जो किया है इरीगेशन डिपार्टमेंट ने किया है, इरीगेशन डिपार्टमेंट का सैनी जी हमारे एक्शन है उनका, और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। बहुत अच्छा आपने पूछा, आज वो दिन है कि ये टेंडर जो 24 करोड़ रुपये एक अलग से माननीय मुख्यमंत्री जी अंडरपास के लिए दिया, 4 अंडरपास के लिए, आज इस बात को शायद 6-8 महीने हो चुके हैं, उसकी प्रक्रिया थी, वो पैसा हमने निगम के माध्यम से रेलवे को हैंडओवर कर दिया। रेलवे अपने समय लगाता है इसको टेंडरिंग करने में, स्कोप ऑफ वर्क देखने में, तो वो टेंडर भी अलाट हो चुका है, वर्क ऑर्डर अलाट हो चुका है, वो हिसार की कोई कंपनी है, किसान कंस्ट्रक्शन कंपनी, आज उनके साथ हमारी मीटिंग भी अगले 10 मिनट बाद हम DC साहब के ऑफिस में उनको बुलाया हुआ है, ताकि उनसे पूरा हम डिस्कस करेंगे कि पानी अब नहीं रुकना चाहिए, ये ना हो कि अपने नए बना भी दें और पानी की समस्या भी इसी रहेगी तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, तो उसका भी समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज से कोई 1 महीने में या 1.5 महीने में उसका काम चालू हो जाएगा। सर, ये रास्ते को लेकर शिकायत ये लोगों ने, अभिषेक स्वरूप के कॉलोनी के लोगों ने, कि रास्ते पे कोई कब्जा कर लिया गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की यहाँ पर बात नहीं? नहीं नहीं, रास्ते में कब्जे की बात नहीं आप कह रहे हैं, जो लोगों ने बात किया, एक सड़क थी यहाँ पे पहले से, किसी ठेकेदार ने बिना टेंडर के, बिना निगम की परमिशन के उसको उतार दिया, सड़क को उतार दिया। और जब ये जानकारी में आया तो माननीय संजय भाटिया जी हमारे बीच में है, जो मुहूर्त किया आज का, उन्होंने निर्देश दिया कि FIR तुरंत कराई जाए उसके, जो निगम के बिना परमिशन के सड़क बनानी शुरू कर देते हैं, और जैसे सड़क थी जितना रेवेन्यू रास्ता उसका पूरा बना दिया जाए दोबारा, ताकि कॉलोनी के लोगों को सुविधा हो, ये विषय था। सर, मामला ये है कि वो जो रास्ते के जो जगह को कम करके जो अंबेडकर सेना है उनको ये जगह दी गई, आपकी जानकारी में ये बात गलत है, आप मौके पे जाके देखिए, सड़क का मामला नहीं है, वो जगह का मामला है, आपको शायद सूचना गलत आई है, आप जाके चेक करिए, आप जाके मौके पे देखिए, आपकी सूचना गलत है थोड़ी सी।